अगर यहाँ पर मैं मिट्टी को फोकस कर रही हूँ तो मुझे पीछे खड़ी कार ब्लर दिखाई दे रही है और मिट्टी क्लियर। और अगर मैं इस वाली वीडियो में देखूँ तो मैं अपनी नज़र सिर्फ सेंटर में रख रही हूँ और जो भी कार सेंटर से निकल रही है वो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है और बाकी सब कुछ ब्लर, आगे पीछे राइट लेफ्ट सब ब्लर दिखाई दे रहा है और सेंटर में एकदम क्लियर। सो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है, मीन्स फोकसिंग से रिलेटेड है। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि ह्यूमन आई में एक एबिलिटी है जिससे वो एडजस्ट कर सकता है अपने फोकस को दूर और पास वाली चीज़ को देखने के लिए। सो इस प्रोसेस को बोल देते हैं अकोमोडेशन। नाउ एक्सप्लेनेशन, ये सारा प्रोसेस अकोमोडेशन का थ्रू लेंस और सिलरी मसल से होता है। सिलरी मसल्स ही होते हैं जो लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स के लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम इन्हीं का होता है। हमने आई में पढ़ा था कि अगर पास वाली चीज़ को देखना होता है तब सिलरी मसल्स अपर और नीचे वाले दोनों लेंस को अंदर की ओर दबाते हैं जिससे लेंस मोटा हो जाता है और हमें पास वाली चीज़ क्लियर दिखाई देने लगती है, क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज कर रही है और कर्वेचर इंक्रीज और इमेज भी रेटिना पर बन रही है। सो यहाँ पर आई ने अकोमोडेट किया पास वाली चीज़ को देखने के लिए। अब अगर दूर वाली चीज़ को क्लियर देखना हो तो अपर और लोअर सिलरी मसल्स लेंस को अपर और नीचे की ओर खींचते हैं जिससे लेंस पतला हो जाता है और क्लियर दिखाई देने लगता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी और कर्वेचर डिक्रीज हो गया और इमेज बनी रेटिना पर। सो यहाँ पर आई ने क्या किया, अकोमोडेट किया दूर की चीज को देखने के लिए। जिस पर्सन की नॉर्मल आई साइट है उसकी अकोमोडेशन पावर होगी 4 डायोप्टर। अकोमोडेशन आई में लेंस की मूवमेंट से होती है और ये मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज होने वाली को कंट्रोल करते हैं सिलरी मसल्स।